हमारे चैनल एजो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیو اور دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا پھر انسان بنایا ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين قدم نے بیکار نہیں بنایا افحسبتم انما خلقناكم عبثا پھر ہمیں کہتا ہے تمہیں بھی بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ سوال کا انداز ہے کیا سمجھتے ہو بیکار پیدا کیے گئے ہو تمہارے اوپر چیک بیلنس کچھ نہیں سوال اٹھاتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدا کوئی پوچھ پڑتال کوئی نہیں کائنات تو قرآن نے جواب دیا بیکار نہیں میں اور آپ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بیکار نہیں پھر موت اختتام ہے برا برا کر کے مر گیا اچھا اچھا کر کے مر گیا تو کوئی پوچھ پڑتال ہے تو اس کا جواب ہے ایحسب الانسان ان یترک سدا پوچھ پڑتال کے بغیر ہی چھوڑ دیا جائے کیا نظام ہے تیرا میرے مولا قبلا ورسلنا لدیہم یکتبون تم جو کچھ کرتے ہو میرے فرشتے لکھ رہے ہیں گونج ہے یہ سسٹم والا کدھر ہے گونج رہا ہے آواز آ رہی ہے تو میرے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں بلا ورسلنا لدیہم یکتبون میرے فرشتے
तुम्हारी सारी कुछ कारकर्दगियाँ लिख रहे हैं। मा यल्फ़ु मिन क़ौल इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मेरी ज़बान से बोल निकल रहा है, इसके ज़ेर ज़बर के साथ अल्लाह कह रहा है मेरा एक फ़रिश्ता लिख रहा है। इन अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, तुम्हारे कंधों पे दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, जो कुछ करते हो लिख रहे हैं। तो ये मेरा रब हमें ख़बरदार कर रहा है कि कायनात बेकार नहीं, तुम बेकार नहीं, जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारो तुम्हें ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो हमने जितना कुछ किया या अल्लाह तेरे सामने कैसे आएगा, क्या ऐसे सामने आएगा कि एक एक चीज़ यहाँ लिखी जा रही। और अल्लाह माशर के दिन कहेगा इक़रा किताबक, वकुल इंसान अल्ज़मना हो ताएरहु फ़ी उनुके, तेरी किताब तेरी गर्दन में डालूँगा, तेरी फ़ाइल तेरी गर्दन में डालूँगा। वनुख़रिज लहु यौमल क़ियामत किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और उसका एक एक पेपर तुझे खोल के दिखाऊँगा, फिर तुझे कहूँगा इक़रा पढ़ किताबक, अपनी ज़िंदगी की किताब को पढ़। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, मुझे और गवाह लाने की ज़रूरत नहीं है, यही तेरे ऊपर गवाह है। तो मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी बनाने वाले ने बनाई है, वही मिटाता है, वही बनाता है, उसी ने आसमान की छत को उठाया, रफ़ा समावात, उसी ने ज़मीन का फ़र्श बिछाया, वल अर्द बदाली का दहाहा, उसी ने इसमें पहाड़ गाड़े, वल जिबाला अरसाहा, उसी ने इसमें से पानी और चारा निकाला, अखरज मिन्हा माअहा व मरआहा, उसी ने इसके अंदर दरियाओं का जाल बिछाया, व सख़र लकुमुल अनहार, और उसी ने इसमें दरख्तों का फल फूलों का निज़ाम चलाया, कफ़ अम्बतना बिही हदाइक़ा तबहजा, उसी ने बादलों को ज़मीन आसमान के दरमियान मुसख़र करके खड़ा किया, व सहाबिल मुसख़र बैना समा वल अर्द, उसी ने उसमें से पानी को बरसाया अजब अनोखे अंदाज में, अन्ना सबबन अलमा असब्बा, फिर उसी ने ज़मीन को फाड़ा अनोखे अंदाज में, ثم شققنا الارض شقا, फिर उसी अल्लाह ने उसमें से फल फूल गल्ले निकाले, फंबतना फ़ीहा हब्बम व इनबा व क़द्बन व ज़ैतूना व नखलन व हदाइक गुलबा व फ़ाकिहतन व अब्बा। अल्लाह की तख्लीक में कोई शरीक नहीं, मा कान लकुम मन तुम बिशु शजरा, मेरा रब कहता है एक दरख्त पैदा करके दिखाओ, अम मन जाल अल अर्द करारा, ज़मीन को ठहरा के दिखाओ, कौन है अल्लाह के सिवा यहाँ रहने के काबिल बनाने वाला, वजाल खिलाल अनहारा, कौन है दरिया चलाने वाला तेरे रब के सिवा, वजाल लहा रवासी, कौन है तेरे अल्लाह के सिवा पहाड़ों को गाड़ने वाला, वजाल बैनल बहरैन हाजिज़ा, कड़वे मीठे पानी को कौन है तेरे रब के सिवा जुदा करने वाला। तो ये सारा निज़ाम, वल अनआम खलकहा, ये जानवर कहाँ से आया, कतरे अल्लाह ने पैदा किए, ये परिंदे कहाँ से आए, अवलम यरो इलत्तैर फौकहुम साफातन व यक़बिज़न मा युम्सिकुहुन इल्ला रहमान, ये सब तेरे अल्लाह का निज़ाम है। ये फल कहाँ से निकलता है, का उन्दुरु इला समर बिही इदा अस्मर व यनअ, ये पक कैसे जाता है, तो अल्लाह कहता है तेरा रब निकालता भी है, पकाता भी है, रंग भी देता है, मिठास भी देता है, जायका भी देता है, खुशबू भी देता है, फिर तेरा नाम लिख के तेरे घर तक भी पहुँचाता है। वो फल पैदा होता है जनूबी अफ्रीका में, नाम लिखा हुआ है गुलिस्तान कॉलोनी में मौली शाहिद का, वो वहाँ से उड़ता है और उसके जब तक मुंह में नहीं जाता उस वक्त तक फरिश्ता पीछे नहीं हटता। ये है मेरे रब का रब्बुल आलमीन होना, रब्बुल आलमीन होना। ये कायनात मेरे रब की बिछाई हुई है, बनाई हुई है, मैं और आप आते हैं जाते हैं, इस आने का मकसद इम्तिहान है, लियब्लुवकुम इम्तिहान है, लिनब्लुवहुम इम्तिहान है, लियब्लुवहुम लियब्लुवकुम लियब्लुवहुम लिनब्लुवहुम वनब्लुकुम बिशर्र वल खैर फितना। फिर इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा,
पेपर हो रहा है, हर आदमी पेपर दे रहा है, पेपर दे रहा है। ये रिजल्ट आउट होने की जगह नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल है। लिखो जो लिखना है, करो जो करना है। यहाँ कुफर भी होगा, इस्लाम भी होगा, शिर्क भी रहेगा, तौहीद भी रहेगी, मोहब्बत भी रहेगी, नफ़रत भी रहेगी, जंग भी है, अमन भी है, जालिम भी है, मज़लूम भी है, मुशरिक भी है, मुवहद भी है, शराब पीने वाला भी है, शरबत पीने वाला भी है, सूद खाने वाला भी है, हलाल खाने वाला भी है, डाकर डालने वाला भी है, मेहनत मजदूरी करके बच्चों को रिस्क हलाल खिलाने वाला भी है, बापर्द खातून भी है और बेचने वाली भी है, रातों को उठ के रोने वाली हैं और रातों को उठ के नाचने वालियाँ भी हैं, रातों को आंसू बहाने वाले नौजवान भी हैं और रातों को घुंघरू की छनकार और जाम की छलक पर ईमान को बेच देने वाले नौजवान भी हैं। यहाँ सौदागर हैं ईमान के भी, यहाँ सौदागर हैं इज्जत के भी, यहाँ सौदागर हैं ज़मीर के भी, और यहाँ सौदागर हैं अल्लाह को लेने वाले भी, अल्लाह के रसूल को लेने वाले भी, अल्लाह के नाम पे मर मिटने वाले भी रहेंगे, अल्लाह के नाम को बेचने वाले भी रहेंगे, दीन का मजाक उड़ाने वाले भी रहेंगे, दीन पर कट मरने वाले भी रहेंगे, रिस्क हलाल में सिसक सिसक के मर जाने वाले भी रहेंगे, और हराम से बंगले कोठियां बनाकर हवाओं में उड़कर समंदरों का सीना चीर कर और धरती पे जालिम मुतकब्बिर बनकर जिंदा रहने वाले भी रहेंगे। मेरे रब ने निज़ाम बनाया है, ये नतीजे की जगह नहीं है, यहाँ करो जो करना है। फमन शा फलयूमिन वमन शा फलयकफुर, जो करना है करो, देखने वाला देख रहा है। एक इम्तिहान है कि अल्लाह को राज़ी कौन करता है और अल्लाह को नाराज़ कौन करता है, अपनी आखरत कौन बनाता है, अपनी दुनिया के पीछे लग के अपनी आखरत को कौन बर्बाद करता है। फ़यन्ज़ुर कैफ़ तअमलून, मैं देखूँगा तुम क्या करते हो। फ़यन्ज़ुर कैफ़ तअमलून, मैं देखूँगा तुम क्या करते हो। लव न वो सोए, ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न वो ऊँघे और ना अंधेरा उजाला उसे कोई चीज़ दिखा सके, छुपा सके। मन हुआ मुस्तफ़िम बिल्लैल वसारिबुम बिन्नहार, दिन का उजाला रात का अंधेरा बराबर है उसके लिए, माजी हाल मुस्तक़बल बराबर है उसके लिए। तह खाक और तह के ऊपर, समंदर के नीचे समंदर के ऊपर, आसमान के नीचे आसमान के ऊपर, बराबर है अल्लाह के लिए। मशरक मगरब शिमाल जनूब बराबर है अल्लाह के लिए। कायनात का जर्रा जर्रा देखता है, इंसान की सांस सांस की सांस की आवाज़ को सुनता है, कदमों की आहट को सुनता है, कान में की जाने वाली सरगोशियों को सुनता है, दिल की धड़कन से उठने वाली आवाज़ों को सुनता है। जालिम को गुर्राता भी देखता है, मजलूम को सिसकता भी देखता है। ये सब उस दिन के लिए है, यौम यकूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे। समझाने के लिए नबियों का सिलसिला आया, सबसे आखिर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल। अख्तम बिकिताबिहिमुल कुतुब व बिदीनिहिमुल अदियान व बिशरीअतिहिमुश शराए, उस महबूब की किताब पर किताबें ख़त्म, उस महबूब की शरीयत पर शरीयत ख़त्म, उस महबूब के दीन पर दीन ख़त्म, उस महबूब के नबूवत पर नबूवत ख़त्म। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, आपकी नबूवत पे नबूवत के इंतहा, आपकी रिसालत पे रिसालत के इंतहा, आपकी शरीयत पे शरीयत मुकम्मल, दीन पर दीन मुकम्मल, किताब पर किताबें मुकम्मल। तम्मत कलिमतु रब्बिक सिदकन व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिह, मेरे रब कबूल मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया, अब रास्ता वाज़े है। वह हदैना हो नजदैन, ये सच्चाई का रास्ता है, ये झूठ का रास्ता है। इधर चलो तो सामने अल्लाह है, इधर चलो तो सामने शैतान है, इधर चलो तो करबलाएँ हैं, इधर चलो तो जामो सागर है, घुंघरू की छनकार है, जाम की छलक है, शहवतों के बाजार गर्म हैं, इधर चलोगे तो रेत के रेगिस्तान हैं और बगूले हैं और ठठरती हुई हवाएं हैं और पेड़ पे पत्थर बांधने वाली जिंदगी हैं और खड्डे हैं, रुकावटें हैं, लेकिन आगे अल्लाह का मुस्कुराता चेहरा है।
कि आओ तो सही, अल्लाह पे एक नज़र पड़ेगी सारे दुख दर्द भूल जाएंगे, जहन्नुम पे एक नज़र पड़ेगी सारी दुनिया के ऐश भूल जाएंगे, जन्नत की हवा का एक झोंका दुनिया के दुख दर्द भुला देगा, जहन्नम की हवा का एक झोंका सारी दुनिया के ऐश भुला देगा। मेरे भाइयों, नया साल शुरू हो चुका है हमारा। देखो, जनवरी भी अल्लाह का और मुहर्रम भी अल्लाह का, क्यों कि चांद भी अल्लाह का और सूरज भी अल्लाह का। ये भी तासुब की बात है कि ये काफरों का साल है, ये मुसलमानों का साल है। सूरज जब अल्लाह ने बनाया तो सूरज के गिर्द का कैलेंडर भी अल्लाह का, जब चांद अल्लाह ने बनाया तो चांद का कैलेंडर भी अल्लाह का। जब सूरज अल्लाह का है और चांद अल्लाह का है तो ये साल हो या वो साल हो, दोनों ही अल्लाह के हैं, तकसीम है। अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को चांद के गिर्द घुमाया और बाकियों को सूरज के गिर्द घुमाया, लितअलमु अददस्सनीन वलहिसाब, ताकि तुम साल और महीनों का हिसाब कर सको। चांद और चांद के गिर्द हमें क्यों घुमाया कि सूरज का कैलेंडर नॉर्थ पोल पे फेल हो जाता है, वहाँ सूरज निकलता ही नहीं 6 महीने, जहाँ 2 महीने नहीं निकलता वहाँ तो मैं भी गया, उससे और आगे जाओ तो 6 महीने सूरज नहीं निकलता और 6 महीने डूबता नहीं है, तो सूरज का कैलेंडर नॉर्थ और साउथ पोल पे फेल हो जाता है, पता नहीं चलता दिन है या रात है। ये मुझे वहाँ जा के समझ में आया, किताब पढ़ के कभी समझ में ना था। मैं जब वहाँ आखिरी दुनिया के किनारे पर पहुँचा तो मैंने देखा वो सूरज के गुम होने के दिन थे, सूरज के गुम होने के दिन थे, तो चांद चमक रहा था, चांद चमक रहा था, तो मुझे पता चला कि अल्लाह ने मेरे नबी को चांद का कैलेंडर क्यों दिया कि वहाँ 6 महीने सूरज निकलता नहीं, फिर 6 महीने डूबता नहीं, लेकिन वहाँ भी चांद निकलता भी है, डूबता भी है, घटता भी है, बढ़ता भी है। वहाँ अगर कोई मुसलमान रहता है तो चांद को देखकर अपना निज़ाम सलात बना सकता है, रोज़े का बना सकता है, नमाज का बना सकता है, सूरज से नहीं बन सकता। हाँ, अब आज की तालीमात में घड़ियाँ आ गई तो उससे पता चल गया, लेकिन एक आदमी जाहिल है, अनपढ़ है, घड़ी कोई नहीं, तो चांद को देख के कह सकता है रात आ गई, चांद डूबा दिन आ गया है, रात ही लेकिन दिन आ गया। तो मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को चांद का कैलेंडर दिया, चूँकि आप लिल आलमीन है, रहमतल लिल आलमीन, तो इसका तकाजा ये था कि दुनिया के जिस खित्ते में मेरे नबी का उम्मती मौजूद हो उसको नमाज के टाइम का पता हो, उसे कैलेंडर का पता हो, रोज़े का पता हो, इसलिए चांद के गिर्द घुमाया है। हमारा नया साल है, वो भी हमारा है, ये भी हमारा है। ये तासुब की बात है, वो काफरों का साल, ये मुसलमानों का साल। अरे, चांद भी मेरे रब का और सूरज भी मेरे रब का। हाँ, हमारा कैलेंडर अल्लाह ने इसलिए घुमाया जो मैंने आपको वजह बता दी है, लेकिन इसमें अल्लाह ने एक ऐसा वाकया, ये पहले भी हो सकता था कत्ल हुसैन और बाद में भी हो सकता था कत्ल हुसैन, लेकिन शुरू साल में ही अल्लाह ने इसको मुकर्रर किया, तय किया कि जैसे एक रिवाज बन गया साल नौ की तकरीब मनाना, वो ना हो बल्कि मज़ीद आखरत की याद हो, मज़ीद आंसू बहें। दुनिया में आज तक किसी वाक़या पर इतने आंसू नहीं बहे, 1378 साल हो चुके हैं करबला के वाक़या को, 1378 साल गुजर चुके हैं, कोई साल और आंसुओं से खाली नहीं गया। दुनिया में कोई ऐसा वाक़या नहीं है जिस पर इतने आंसू गिरे हों और गिराए गए हों और गिरते ही जा रहे हों और गिरते ही रहेंगे जब तक इस्लाम बाकी है और जब तक मुसलमान बाकी है। ऐसा अलमनाक वाकया इंसानी तारीख में नज़र नहीं आता जो लिखी हुई है, जो लिखी हुई है, लिखी हुई की बात बता रहा हूँ, और मेरा ख़्याल है जो नहीं लिखी उसमें भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इंसानी तारीख में किसी नबी की नस्ल ऐसे ज़बा नहीं हुई ऐसे मेरे नबी की नस्ल ज़बा हो। नबी भी राज दुलारा, नबी भी हबीब, नबी भी लाडला, और क्या लाड हैं,
कभी प्यार से मोहम्मद, कभी अहमद, कभी माही, कभी हाशिर, कभी आकिब, कभी फातिह, कभी खातिम, कभी अबुल कासिम, कभी तौहा, कभी यासीन, कभी मुद्दसर, कभी मुजम्मिल, कभी शाहिद, कभी मुबशर, कहीं नज़ीर, कहीं बशीर, कहीं रहमतुल्लिल आलमीन, कहीं बशीरों व नज़ीरा। क्या क्या तो मेरे रब ने महबूब के नाम रख दिए और क्या क्या अलकाब रख दिए। किसी नबी की कसम नहीं उठाई, आपकी कसम उठाई, लामरो तेरी जान की कसम। किसी के शहर की कसम नहीं उठाई, आपके शहर की कसम उठाई, वहादल बलदिल अमीन। किसी के वजूद की कसम नहीं उठाई, आपके चेहरे की कसम उठाई, वद्दोहा। इमाम राजी का एक तर्जमा, तेरे रोशन चेहरे की कसम। आपकी जुल्फ़ों की कसम, वल्लैल इदा सजा, तेरी स्याह जुल्फ़ों की कसम। वकील ही, मुझे आपके बोल की कसम, आपके चेहरे की, आपकी जुल्फ़ों की कसम, आपके हयात की कसम, तेरे शहर की कसम, तेरी किताब की कसम। काफ वल कुरआन अल मजीद, तौरात ज़बूर अंजील की कसम नहीं उठाई, कुरआन की कसम उठाई। सारी दुनिया से कहा मुझे राज़ी कर हो, और अपने हबीब से कहा वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, पूरी दुनिया से कहा तो मुझे राज़ी करो और मैं ख़ुद तेरा रब तुझे राज़ी करूँ, तुझे राज़ी करूँ। इस हस्ती को मैं कैसे बयान करूं? कौन बयान कर सकता है? अल्लाह हमारी तारीफ़ के दायरे में नहीं समा सकता। अल्लाह का महबूब दुनिया इंसानी की तारीफ़ के दायरे में नहीं समा सकता। ये दो हस्तियां हमारी तारीफ़ से बहुत बुलंद हैं, बहुत बुलंद हैं, बहुत बुलंद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम पे एक तजल्ली पड़ी, बेहोश होकर गिरे, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, पता नहीं कब होश में आया और उठे और एक जस्त में बैतुल मक़दिस पहुंचाया और वहाँ से सीधा अर्श तक पहुंचाया। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील के भी पर जलने लगे, या रसूल अल्लाह, आज की ज़ुबान मेरे को हूँ वीज़ा कोई नहीं अगूँगा है, आज की ज़ुबान मेरे को वीज़ा कोई, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इतना भी आगे गया तो जल के राख हो जाऊँगा। और ऊपर मेरे अल्लाह ने अपने हबीब को ऊपर बुलाया, अर्श के दरवाजे खुले, अर्श पर कदम रखा, किसी हस्ती ने तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, नूर के पर्दे हटे किसी के लिए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह अपने खूबसूरत चेहरे के साथ सामने आया, किसी के तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, किसी को सीधा सामने खड़ा करके सलाम पेश किया हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मूसा अलैहिस्सलाम से पर्दों में बात और अपने महबूब से आमने सामने बात। किसी को हबीब बनाया हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, किसी को हबीब बनाया हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, किसी को रहमतुल्लिल आलमीन बनाया हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, किसी को कुल कायनात का रसूल बनाया हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, किसी को लाड़ से पुकारा हो या अय्युहल मुज़म्मिल तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, किसी को लाड़ से मोहब्बत से पुकारा हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, किसी की उम्मत की तारीफ़ की हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। वल्लज़ीन मअहु सहाबा अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिन अल्लाह व रिदवाना। ये सारी मेरे नबी के सहाबा की तारीफ़ हो रही। किसी नबी के साथियों को ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरे महबूब, मेरा वादा, तेरा हर सहाबी जन्नत में जाएगा, तेरा हर सहाबी जन्नत में जाएगा, वादा। दर्जे अलग अलग होंगे। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्ल अल-फतह व क़ातल, फतह मक्का से पहले जो ईमान लाए उनका दर्जा और है और जो बाद में उनका दर्जा और है, लेकिन कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, सब के लिए जन्नत। वो कितनी बड़ी हस्ती हैं, उनकी औलाद कैसी होगी? किसी नबी की औलाद के लिए अल्लाह ताला ने युताहिरकुम तत्हीरा, ए आल मोहम्मद, ए अहले बैत मोहम्मद, मैंने आपके सारे घराने को पाक कर दिया। ये किसी के लिए आयत नहीं उतरी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, वजनुबनी व बनी अन्नाबुदल असनाम, अल्लाह मुझे मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचाना, बुत परस्ती से बचाना। और मेरा अल्लाह अपने हबीब के घर को कह रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु युज़हिबा अन्कुम रिज़्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, आपके रब ने आपके घर को
कुफ्र शिर्क से पाक कर दिया और न सिर्फ कुफ्र शिर्क से पाक नहीं किया बल्कि आपने फरमाया सैयदा शबाब अहल जन्ना अल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन तो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, सैयदतु निसा अहल जन्ना फातिमा, मेरी बेटी फातिमा तो जन्नत की औरतों की सरदार है। हज़रत अली का हाथ यूँ पकड़ा और यूँ अपने सीने के करीब कर लिया, कहा अतरदा अन यकून मंजिलों का मुकाबिल मंजिली फिल जन्नत, अली तू भी राजी हो जा, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने, कौन पहुंचेगा यहाँ, कौन पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा कि जिसका घर नबी के घर के सामने हो। आप बेटी के घर में हैं, बच्चे सोए हैं, हसन की आंख खुलती है, अम्मा पानी, माँ उठने लगती हैं, मेरे नबी रोक देते हैं, गिलास उठाते हैं, सामने घड़ा है उसे पानी नहीं निकाला, बाहर निकले, हज़रत अली की बकरी मरियल सी, उन्होंने मांस कोई ना आई तो दूध की थूआ बनाई, लेकिन मेरे नबी के हाथ की बरकत से थन नीचे लटक गए, हाथ लगाया दूध से भर गए, ताज़ा दूध निकाल के अंदर आए तो हुसैन भी उठ गए थे, वो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए पहले लेने के लिए, आपने कहा पीछे हटो, माँ बोली या रसूल अल्लाह आपको हसन से ज़्यादा प्यार है, कहा नहीं रेहान अतई, ये दोनों मेरी आँखों की ठंडक, दोनों मेरी सब सहनियाँ हैं, लेकिन इसने पहले मांगा ये बाद में आया, इसको पहले पिलाऊँगा इसको बाद में पिलाऊँगा, तो पहले हसन को पिलाया फिर हुसैन को पिलाया फिर उनकी माँ को पिलाया, खुद नहीं पिया, फिर फरमाया अली सोए हुए हैं उनकी आँख नहीं खुली सोए हुए हैं, कहा फातिमा तू मैं ये दोनों ये जो सोया हुआ है हम पांचों क़यामत के दिन एक ही जगह पर हूँ, बेमकान वाहिदन यौमल क़यामा, बेमकान वाहिदन यौमल क़यामा, किसी नबी की पुश्त पर किस कोई सवार नहीं हुआ, कायनात में सिर्फ तीन हस्तियां हैं जिन्होंने नबी की पुश्त पर सवारी की है, किसी नबी और फिर नबियों का नबी, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो नबी, वो नबी, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिलआलमीन, वो ताहा यासीन, वो नबी। जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं मैं आया मैंने देखा अल्लाह के नबी ने घुटने टेके हुए हाथ टेके हुए और कमर पर हसन हुसैन को बिठा के चक्कर लगा रहे थे कमरे में और उनको कह रहे थे कैफ मतियत कुमा, तुम्हारा ऊँट कैसा है, तुम्हारा ऊँट कैसा है, और फिर दोनों को उतारा, तीसरा कौन है, दोनों को उतारा और अपनी नवासी जैनब उनको कमर पर बिठाया और फिर पूरे कमरे में चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और इसमें ये इसमें कोई शक नहीं आप हसन से ज़्यादा प्यार करते थे, फरमाया करते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है, इसके पीछे वजह क्या थी, हसन सर से चेहरा मुबारक और कमर तक बिल्कुल अल्लाह के नबी की तस्वीर थे और कमर से पांव तक अपने बाप की तस्वीर थे, हुसैन इसका उलट सर चेहरा मुबारक कमर तक अपने बाप अली की तस्वीर थे, कमर से पांव तक आप अपने नाना की तस्वीर थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरी आंखों ने देखा मेरे कानों ने सुना, आपने हुसैन को यहाँ पाँव पे खड़ा किया हुआ था और उनके हाथ पकड़ उनको ऐसे ऐसे झूला दे रहे थे, ऐसे कह रहे थे इसादिल मुर्तका, चल बच्चे पहाड़ पे चढ़ जा, पहाड़ पे चढ़ जा, और वह ऐसे ऐसे झूलता झूलता ऊपर आया, ऊपर आया घुटनों तक, हमने कहा और आगे, वो यहाँ आया यहाँ आया, जब यहाँ पहुँचा हमने कहा और आगे, तो आप ऐसे हो गए, फिर और ऐसे हो गए, फिर और ऐसे हो गए, वो चढ़ते 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 यहाँ के खड़े हो गए, आपने दोनों हाथ पकड़ के यूँ बोसा लेकर कहा ए अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूँ तू भी इससे प्यार फरमा। आपको पता था इनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए 6-7 साल की उम्र में इतनी मोहब्बत दी कि सारी ज़िंदगी का हिसाब चुका दिया। दोनों बच्चे धूप में खेल रहे थे, आपने देखा तो आपने हज़रत अली को ज़रा तेज़ लहजे में फरमाया अली धूप चढ़ गई है मेरे बच्चों को गर्मी लग रही है, उन्हें खबर थी करबला में क्या गर्मी पड़ने वाली और मेरा नवासा कैसे प्यासा शहीद होने वाला है,
और हसन कैसे जहर में तड़प तड़प के जान, अली इनको जल्दी से घर ले जाओ, उनको गर्मी लगी। दोनों को रोने की आवाज आई तो जल्दी से आ गए। कहा फातिमा तुझे पता नहीं है इनका रोना मुझे दुखी कर देता, तुझे खबर नहीं है इन्ना बुका अहुदीनी, इनका रोना मुझे तकलीफ पहुंचाता है, मत रोने दिया कर। एक सफर में थे, बेटी भी साथ थी, दोनों बच्चे, तो आपको रोने की आवाज आई पालकी में से, तो आप जल्दी से पीछे आ गए। क्या मेरे बच्चे क्यों रो रहे? कि या रसूल अल्लाह इनको भूख लगी है और दूध कोई नहीं है, कुछ खाएं तो दूध आए, फाके हैं। आपने कहा नावेलनी अल हसन, मुझे हसन को पकड़ा, तो उन्होंने पकड़ा है, तो आपने अपनी ज़बान मुबारक खोली और उनके मुंह में डाल दी, उन्हें चूसना शुरू किया और अंदर से अल्लाह ने क्या निकाला, वो चूसते गए चूसते गए चूसते गए यहाँ तक के हंसने लगे, आपने वापस कर दिया। कहा नावेलनी अल हुसैन, नावेलनी अल हुसैन, मुझे हुसैन पकड़ा, तो आपने हुसैन को पकड़ा और अपनी ज़बान मुबारक उनके मुँह में डाली और वो चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे यहाँ तक के वो हंसने लगे, फिर आपने उनको वापस फरमाया। दोनों बच्चे आपके पेट पर आपस में घुल मिल रहे होते थे, लोट पोट हो रहे होते, लड़ रहे होते थे, गले मिल रहे होते थे, आप उनको पेट पर लिटा के उनको देख के खुश हो रहे होते थे, उनके साथ हंसी मजाक फरमा रहे होते थे। नमाज के सजदे में दोनों भाई ऊपर बैठ गए, दोनों भाई ऊपर बैठ गए, लोगों ने पकड़ना चाहा तो आपने हाथ का इशारा करके रोक दिया, नमाज में इशारा करके रोक दिया, सलाम फेर के दोनों को गोद में बिठाया। अभी हुमा व अम्मी, मेरे माँ बाप इन पर कुर्बान, इन्हें कुछ ना कहा कर, दरू हुमा, आपको पता था इनके साथ बहुत कुछ होने वाला है, कदऊ हुमा, मेरे बच्चों को कुछ ना कहो कहो करो, बे अभी हुमा व अम्मी, मेरे माँ बाप इन पर कुर्बान, इन्हें कुछ ना कहा करो। नमाज के सजदे में कि नमाज फ़र्ज़ नमाज नफल नहीं, फ़र्ज़ बा जमात नमाज, और कमर पे चढ़े हुए हैं और आप सजदा लंबा कर रहे हैं, और कभी ऐसा होता था इधर हसन है इधर हुसैन है, ठीक, नमाज में आप खड़े हुए हैं तो आपकी नमाज तो लंबी होती थी तो आपके टांगों में से वो आना जाना शुरू कर दे, इधर वो उधर, ये इधर वो उधर, ये उनका खेल जारी रहता था जब तक आप सजदे में नहीं जाते थे, एक इधर तो वो उधर, वो इधर तो वो उधर, मुस्तकिल ये नमाज में खेल जारी रहता था और मेरे नबी उनको रोकते नहीं थे। अरब में ऐब था बच्चों को प्यार करना, अरब में ऐब था बच्चों को प्यार करना, उठाना उससे बड़ा ऐब था कि कोई अरब सरदार बच्चा उठा के फिर रहा हो, ये ऐब था उस मुआशरे में। मेरे नबी ने हसन हुसैन को यहाँ नहीं उठाया, यहाँ 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 नहीं उठाया, बल्कि यहाँ कंधों पे बिठा कर बाहर निकल आए, यहाँ यहाँ बिठाया, यहाँ यहाँ बिठा के बाहर निकले। हर उमर कहने लगे वाह 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 क्या ज़बरदस्त सवारी है, मेरे नबी ने फरमाया वाह 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 क्या ज़बरदस्त सवार हैं। आपने कहा अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, अल्लाहुम्मा इन्नी अहिब्बुहुम फअहिब्बहुमा व अहिब्बु मन अहिब्बहुमा, जो इनसे प्यार करे या अल्लाह उनसे प्यार करना, मैं इनसे प्यार करता हूँ तू इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार कर। और मेरे नबी ने फरमाया मन अहिब्बहुमा फ़कद अहिब्बनी, जिसने हसन हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, मन अहिब्बनी फ़कद अहिब्बल्लाह, जिसने मुझसे प्यार किया उसने अल्लाह से प्यार किया, मन अहब्बल्लाह अदखलहुल जन्ना, और जिसने अल्लाह से प्यार किया अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा, मन अबगज़हुमा फ़कद अबगज़नी, जिसने हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, मन अबगज़नी फ़कद अबगज़ल्लाह, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, मन अबगज़ल्लाह अदखलहुन नार, जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा अल्लाह उसे उठा के जहन्नम में डाल देगा। ये वो शहजादे थे जिनके खेलने में जिब्रील भी शरीक होता था, हाँ हसन हुसैन की कुश्ती करवा रहे हैं, कुश्ती करवा रहे हैं, और हुसैन को थापड़ा मार रहे हैं ज़्यादा, हुसैन शाबाश हुसैन शाबाश, ए है या हुसैन ए है या हुसैन, वाह वाह हुसैन, भाई ज़ोर लगा, शायद वो दब रहे होंगे। तो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी या रसूल अल्लाह आप सारी शाबाश हुसैन को देते जा रहे हैं, हसन को क्यों नहीं दे रहे? तो आपने फरमाया ये जिब्रील मेरे पास खड़ा हुआ हुसैन को शाबाश दे रहा है, मैं भी इसी को शाबाश दे रहा, इनके खेलने में जिब्रील भी आके शरीक। हाय 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 क्या दास्तान हरम है,
जिन बच्चों को मेरे नबी ने ऐसे लाड़ लड़ाए कि उनके रोने पर बेकरार होकर उठ जाते थे, उनको धूप में देखा तो बेकरार होकर फरमाया घर भेजो। अरब का दस्तूर बताया था बच्चे को चूमना भी ऐब, उठाना भी ऐब। एक ये रिवायत सुना, एक और सुन, गली में से गुजरे बच्चे खेल रहे थे और हुसैन खेल रहे थे, तो आपने उनके साथ बीच गली में खेलना शुरू कर दिया, पकड़ो हुसैन को, पकड़ो भाई, पकड़ो भाई। वजाला सब वहा, जैसे हम छोटे बच्चे को ऐसे पकड़ते हैं, हाँ भाई नपो भाई नपो भाई, वो आगे दौड़ता है, वो समझता है मैं बड़ा ही खटकारियाँ, मेरा प्यो भी मैं नहीं अब सकता प्या, तो हम पीछे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं और फिर उसको उठा के प्यार करते हैं। मेरे नबी यही कुछ कर रहे थे, चलो भाई पकड़ो भाई पकड़ो भाई, वो कभी इधर हो जाते कभी इधर हो जाते, अब इधर से होते अब इधर से होते, फिर आपने ऐसे उठाया और उठा कर आपके होंठों का बोसा लेकर कहा अल्लाह मैं इससे प्यार करता, तू भी इससे प्यार कर। इतनी आली नस्ल, इतनी पाकीज़ा नस्ल और पूरी ज़बा हो जाए करबला की मिट्टी में, अगर मेरे अल्लाह चाहता तो, अगर मेरे नबी चाहते तो अल्लाह से मांग लेते, या अल्लाह आराम नाली मर जावण मदीने च। सबसे ज़्यादा तो अपनी औलाद के लिए होता है आदमी बेकरार, और उम्मे सलमा से फरमाया, उम्मे सलमा आज एक फरिश्ता आ रहा है मिलने के लिए तो किसी को अंदर नहीं आने देना। उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी हो गई, इतने में हुसैन आ गए खेलते हुए, वो अंदर जाने लगे तो उन्होंने रोक दिया, रोका तो वो रोने लगे तो उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद अंदर से आपके नबी के बिलकने की आवाज़, धड़ धड़ रोने की आवाज़ आई, तुम्हें सलमा परेशान हो गई, भाग के अंदर गई, तो आपने अजब तमाशा दे, आपने यूं पूरे ज़ोर से सीने से लगाया हुआ था हुसैन को, और ऐसे ऐसे रो रहे थे, ऐसे ऐसे पूरा वजूद ऐसे हिल रहा था। अभी अंता मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? कहा ये फरिश्ता जो मिलने आया था मुझे बता रहा है कि मेरे इस बेटे को मेरी उम्मत ज़बह कर दे, मुझे वो वट्टी दिखाई गई है जहाँ उसका खून गिराया जाए। ये एक इम्तिहान की तस्वीर दिखाई गई, सबसे बड़े खानदान, सबसे बड़ी इज्जत वाले, सबसे बड़ी, मैं अल्फाज कहाँ से लाऊँ उस घर के शान बयान करने के लिए। मुझे एक फोन आया पिछले साल की बात कि जी आपसे दरख्वास्त है कि फलां जगह आप हमारी मुहर्रम की 10 दिन की मजालिस पढ़ दें, इंशाल्लाह हम आपको खुश करेंगे। मतलब ये है कि जो कुछ आप मुंह मांगे पैसे मांगेंगे वो हम आपको देंगे। मैंने कहा मैंने नियत की हुई है अल्लाह उसके रसूल के घर का मरासी बनने की, जिस घर का मरासी होता है ना दूसरे घर से मांगता नहीं है। हमारे जो मरासी आते हैं ना, तो मैं कभी इनकार कर दूँ ना तो हमारे करीब 3-4 कौमें, हराज सनपाल और हम पुरानी कौमें, तो वह कह अच्छा हूँ मोड़ा सी हराजा देबू होते जा मंगिए, मुड़े केडे शर्म वाली गल है तोड़े वास्त, मुझे तोड़े वास्ते केडे शर्म वाली गल है, असी हराजा तू जा मंगिए, असी सनपालां तू जा मंगिए, असी तोड़े प्यो दादे दे मिरासी आए, असी तोड़े कोलू लेना है। तो वो ऐसी बात होती है कि इनकार की गुंजाइश नहीं छोड़ते, कहा से तेरे दादे पड़दादे तो लेंदे हमने, तोड़े देरे तो लेने हैं, असी क्यों जावे दुए दारते थे दुए बूए थे। मैंने कहा मेरे भाई मेरे लिए तो सारा साल ही मुहर्रम होता है, मेरा कोई बयान उस घर की तारीफ से खाली नहीं होता है, कभी कोई निकल जाए बात इधर उधर तो अलग बात है, कि मैंने नियत की है कि मैं इस घर का मरासी बन के मरना चाहता हूँ।
मेरे मरासी दुए बुए ते नहीं जाते, ते मेरी गैरत जड़ी है ना भी होवे तो मैं ना खो के उन्होंने दे देना, तो मैं क्यों किसी और से मांगू। मुझे अगर लेना है तो उसी दर से लेना है, यहां कुछ नहीं लेना। बनू उमैया का बादशाह हिशाम बिन अब्दुल मलिक तवाफ कर रहा था हज में, हजरे अस्वद पे आया, जगह नहीं मिली, धक्के खा के वापस हो। इमाम जैनुल आबिदीन तशरीफ लाए तो एकदम मजमा पीछे हट गया और आपने बोसा लिया और आगे चले गए। उसके साथ शाम के अरब सरदार नहीं पहचानते थे, वो हैरान हो गए कि बादशाह के लिए रास्ता नहीं दिया और इसके लिए रास्ता दिया, ये कौन है? कहने ये कौन है? तो हिशाम जानता था ये कौन है, तो वो अनजान बन के कहने लगा पता नहीं कौन है। तो सात फरजदक शायर खड़ा था, कहने लगा मैं दसा कौन है? ना क्या दस, फरजदक बहुत बड़ा शायर था। तो उसने 35 अशार का फिल बदी कसीदा पढ़ा जिसकी इब्तदा है हादल्लज़ी तारफुल बतहा वतअतहु अलहिल्लु यारफुहु वलहरमु मा काल कत्तु ला इल्ला फी तशाहुदिहि लौला तशाहुदु लकान लाहु नअमु। मैं आपको दो शेर नमूने के तौर पर सुना दिए हैं। ये वो है जिसे तुम तो नहीं जानते हो लेकिन अल्लाह का घर भी जानता है और मक्के का एक एक पत्थर जानता है और एक एक पहाड़ जानता है। ये वो सखी है, ये वो सखी है कि इसकी लॉ सिर्फ कलमे में निकलती है, वरना साइल के सामने आज तक इसने ला नहीं कहा, यानी नहीं नहीं कभी नहीं कहता सिवाय ला इलाहा इल्लल्लाह के। उसको इतना गुस्सा चढ़ा उसने उसको उस्फान में कैद करा दिया। जब इमाम ने ज़ैनुल आबिदीन को पता चला तो उन्होंने 10,000 दिरहम उसको हदिया भेजा कि भाई ये तोहफा कबूल करो, तो वो रोने लगा। वो जो लाया था उसको कहने लगा, इमाम साहब से कहना मैंने सारी ज़िंदगी बादशाहों की तारीफ़ की है पैसे के लिए, पैसे के लिए, लेकिन मैंने आपकी तारीफ़ की है अल्लाह को और आपके नाना को राज़ी करने के लिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, इसका सिला उत्थे जा के लड़ा, इतने नहीं लड़ा, वापस कर दी। वो भी अहलुल बैत थे तो उन्होंने फरमाया उससे जाकर कहो तुम्हें तेरी नियत का सिला मिल गया, लेकिन अहलुल बैत के घर से जब कोई चीज़ निकल जाती है वापस नहीं आती, वापस नहीं आती, तो मेरी मिन्नत है तू कबूल कर ले। फिर उनके दोबारा भेजने पर उससे कबूल किया। इस घर से मोहब्बत और प्यार ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के नबी ने हमें दरूद सिखाया अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तो क्या सिर्फ 10 दिन इसका जिक्र किया जाएगा? सिर्फ 10 दिन हर अत्तहियात के दरूद में अला आले मुहम्मद, अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद 10 दिन। और उस पर भी भावताव किए जाए कि इतने पैसे, इतने तो उन्होंने पैसे देवे आ जाओ। ये हर दिन का जिक्र है, जैसे रबीउल अव्वल के 12 दिन आए, चलो भाई जलसे करो, मिलाद मनाओ, मनाओ ये सारे साल का याद, मेरे नबी की याद सारे साल के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए, हर हफ्ते में, हर दिन में, हर घंटे में, हर मिनट में, हर हर पल की चीज़ है। जो पल नबी की याद से गाफिल हुआ वो तो अंधेरों में धकेल देगा। ऐसे मेरे नबी का घर हर पल याद करने, क्यों बकरों की तरह ज़बा किए गए? अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने ख्वाब देखा, 61 हिजरी जुमे का दिन 10 मुहर्रम, हाय मेरे नबी के हाथ में बोतल, उसमें खून है और ज़मीन से खून उठा के डाल रहे हैं, खून उठा के डाल रहे हैं। कहा या रसूलल्लाह ये क्या है? कहा ये हुसैन और उसके साथियों का खून है, मैं जमा कर रहा हूँ, क़यामत के दिन मैं इनका मुकदमा अल्लाह की बारगाह में पेश करूँगा। हसों में सलमा सोई हुई थी, उन ख्वाब में देखा कि अल्लाह के नबी का रंग पीला जर्द, मिट्टी चेहरे पर, दाढ़ी पर। आपने कहा या रसूलल्लाह क्या हुआ? कहा अपने बेटे हुसैन को कत्ल होते देख के आ रहा।
एक बोल पे मैं कभी तफसील में इस किस्से को नहीं सुना सका कि मेरे जज्बात मेरे ऊपर गालिब आ जाते हैं, मेरे अल्फाज बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, मेरा बंद टूट जाता है। लेकिन इसकी मिथ क्या है, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 10 दिन रो पीट के तुम छुट्टी करो, इसलिए नहीं हुआ। एक सबक है, एक पैगाम है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए इतनी बाजी लगानी पड़े तो लगाओ, सब कुछ देना पड़े तो दे दो। यजीद ने तख्त पाया, हुसैन ने अल्लाह को पाया, शिमर ने दुनिया पाई, अहले करबला ने अपने रब को पाया। किसके सर सेहरा बांधा गया, किसके गले में हार डाले गए, किसके सर पे इज्जत के ताज सजाए गए? आज मैं शिमर के लिए कहूं, कौन है जो अपने बच्चे का नाम शिमर रखने को तैयार है? एक कुर्बानी की दास्तान है कि अल्लाह तुझे राजी करने के लिए हर सौदा कबूल है, हर सौदा मंजूर है। एक बोल ही तो देना था यजीद की बेअत का, मदीने में जाके बैठ के अल्लाह अल्लाह करते, घर बार आल औलाद सब, बच्चों को ज़बह होते देखना, मेरे बच्चे का बाजू टूटा तो वो वहीं गांव में थे हम, तो उसको थोड़ा सा ऐसे जो हिलाने लगे तो उसकी चीखें निकली, तो मैं उसकी चीखें नहीं सुन सका, मैं भाग के बाहर निकल गया, मैं उसकी चीख नहीं सुन सका। बात तो टूटी गई, जुड़ भी गई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। जाओ 1378 साल पीछे और हुसैन को देखो, बच्चों को ज़बह होते देखकर। तुमसे रब का मुतालबा नहीं कि बच्चे ज़बह करा दो, मुझसे आपसे रब का मुतालबा है झूठ को ज़बह कर, सच को पानी दे, हराम छोड़ हलाल पे आ, कुफर छोड़ ईमान पे आ, धोखा छोड़ दयानतदारी पे आ, नफरतें छोड़ मोहब्बत पे आ, गफलत छोड़ बेदारी पे आ, बुखल छोड़ सखावत पे आ, हिर्स को छोड़ ईसार पे आ, झूठ को छोड़ सच्चाई पे आ, ख्यानत को छोड़ दयानतदारी पे आ, मिलावट खोट को छोड़ सच्चाई दयानतदारी असालत पे आ, हेरा फेरी को छोड़ दयानतदारी पे आ, इंतकाम को छोड़ माफ़ करने पे आ, गाली को छोड़ दुआ देने पे आ, गफलत को छोड़ सजदों में सर रख के दिखा, माल जमा करने के पीछे मत दौड़, अल्लाह के नाम पे लगाना सीख, नज़रें उठाना ना सीख, नज़रों को झुकाना सीख, घुंघरू पे सर ना हिला, कुरान पर अपने नफ्स को अपनी रूह को ताजगी दे, गानों के सुर पे न थरको, जिस नस्ल की माएँ तबले की थाप पे थरकते हो, जिस नस्ल के बाप मौसीकी की सुरताल पे झूमते हो, उन माओं की गोद में मोहम्मद बिन कासिम जैसे कैसे पैदा होंगे, हुसैन जैसे कैसे पैदा होंगे, नाचने गाने वाले ही पैदा होंगे, सूद खोर शराबी डाकू जुआरी पैदा होंगे, माएं बांझ हो गईं, नस्ल मौजूद है इंसान कोई नहीं, अफराद मौजूद हैं इंसान कोई नहीं है, मर्द औरत मौजूद हैं इंसान कोई नहीं है। अल्लाह पे मर मिटना ये करबला का सबक है, अल्लाह के लिए जीना ये करबला का सबक है, अल्लाह के लिए मरना ये करबला का सबक है, अल्लाह पे सब कुछ लुटा देना ये करबला का सबक है। देखो आप इसलिए आए हो कि अल्लाह राज़ी हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सरदर्द की शिद्दत के बावजूद कि अल्लाह राज़ी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा अल्लाह मेरा ये अमल कबूल करेगा या नहीं। आपको नहीं पता कि आपका आना अल्लाह कबूल करेगा या नहीं, अगरचे हम उसकी रहमत से पुर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह कबूल करेगा, लेकिन ये हुसैन तो जन्नत की चाबी ले चुके हैं, सरदारी ले चुके हैं, अब सर कटाने की क्या ज़रूरत है?
हाथों में हाथ दे करके चल मैं तेरे नाल आ, चल मैं तेरे नाल आ। और वहाँ जाके मस्जिद नबवी में दो नफल पढ़ के तौबा करते और मदीने में मौज करते हैं, उनको तो जन्नत मिल चुकी है, मिल चुकी है। जन्नत नहीं मिली, सरदारी मिली है। अपने नाना के पड़ोस में बाप का घर जहाँ बना वहीं तो बच्चों का घर बना, वहीं तो फातिमा का घर बना। अपने नाना के सामने घर मिल चुका है, फिर यूं ज़बह होने की क्या ज़रूरत है? भूखे प्यासे के गर्मी के रोज़े आते हैं, 12 घंटे प्यास में आदमी तड़प के रह जाता है। तुम्हें खबर है मेरे नबी की औलाद 72 घंटे प्यासे, प्यास की शिद्दत, पानी का कतरा नहीं। और आगे इंसानी इंसान की शक्ल में दरिंदे खड़े हुए हैं। जब सारे जान निसार शहीद हो गए, थोड़ा सा सुना भी देता हूँ, जब सारे जान निसार शहीद हो गए तो पीछे अहलुल बैत रह गए। अहलुल बैत, सबसे पहले शहीद का नाम बताता हूँ, मुस्लिम बिन औसज, जो इमाम साहब के इमाम अली मकाम के काफ़िले में जो पहले शहीद हैं, मुस्लिम बिन औसज। और उनकी तरफ से जो दो पहले कत्ल हुए, सालिम और यसार, और उनको कत्ल करने वाले थे उबैदुल्लाह बिन उमैर अल कल्बी, एक इब्ने ज़ियाद का ग़ुलाम था, एक रबिया बिन ज़ियाद का ग़ुलाम था। वो दोनों निकले तो उसके मुकाबले के लिए बरबर बिन हुदैर और हबीब बिन मुताहिर निकले हुसैन अली मकाम के लश्कर से। तो उमैर बिन वहब कल्बी वो कूफे से उठ के आए थे, कूफे से बीवी समेत आए थे, बीवी का नाम उम्मे वहब, हबशी थे। कहने लगे मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने थे, मैं अकेला इन दोनों को काफ़ी, इन दोनों को हटा दे। और नंगे बदन थे, नंगे बदन, जिस्म पे कोश नहीं। कहा मैं तो मरने हूँ, मैं क्यों जिरा पामा जो मैं जीवना है, मैं तो मरना है, नंगे बदन थे। तो उनकी बीवी ने कहा इनको जाने दें, हम दोनों ने आप पर कुर्बान होने की नीयत की हुई। हमने कहा अच्छा, अल्लाह तुझे जज़ा खैर दे, जाओ। तो उस अकेले ने दोनों कमबख्तों को जहन्नम में पहुँचा दिया, सालिम और यसार। तो उनमें से एक आदमी बोला ओए ये मरने आए हैं, अगर अकेले अकेले लड़ोगे तुम सबको मार देंगे। और तुसी तो जीवन दे तलबगार हो, मरण दे तलबगार है, मरण वाले नु मारना कोई सौखा काम होता है, वो इन पर इकट्ठे हमला करो। फिर हमला आम हुआ तो पहले शहीद इधर से मुस्लिम बिन औसज, जब वो गिर रहे थे तो कह रहे थे हुसैन की हिफाजत करना जब तक सांसों में सांस बाकी। आपके लश्कर में इधर ज़हर उमनुल कैन, यानी राइट साइड पर ज़हर बिन कैन एक छोटा झंडा, लेफ्ट साइड पर हबीब बिन मुज़ाहिर एक झंडा, दरमियान में आपके भाई अब्बास बिन अली जिनके हाथ में बड़ा झंडा था और बड़ा निशान का जो अलामत था वो अब्बास बिन अली के दरमियान में था। 32 घोड़ सवार थे और 40 पैदल थे। जब उन्होंने पहला हमला किया तो घोड़ 32 ने 3000 का मुँह पीछे कर दिया। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा पहले इनके घोड़ों को मारो, इनके घोड़ों को मारो। तो 500 तीर अंदाज़ों ने इकट्ठे उनके घोड़ों पे तीर चलाए तो सबके घोड़े गिर के ख़त्म हो गए। फिर सारी पैदल हो गए, फिर सारी पैदल हो गए। तो फिर मैं अटक जाता हूँ इसलिए फिर मैं आखिर में जा बीच में ज़हर की शहादत सुना दूँ। ज़हर, ज़हर इब्न अल-क़ैन, जब नमाज का वक्त आया, जहर का वक्त दाखिल हुआ तो आपने इशारा किया ज़हर ये शिमर से कहो नमाज पढ़ने दे, नमाज पढ़ने दे। हाँ, अगर 1439 साल में नमाज की माफ़ी होती तो अहले करबला को होती, लेकिन हुसैन ने सजदे में सर रख के बतलाया कि नमाज नहीं छूट सकती, सर कट सकते हैं। तो उन्होंने आगे होकर कहा कि भाई नमाज के लिए जंग रोको। तो कूफी लश्कर का एक सरदार था हुसैन इब्न नुमैर, उसने कहा तुम्हारी तो नमाज कबूल ही नहीं होती। तो उन्होंने कहा लानत तुझ पर, तेरी नस्लों पर,
जिस घर की तुफैल नमाज मिली उन्हीं की नहीं होती और तुम्हारी होती है, तो वापस आकर कहने लगा कि वो नमाज की इजाज़त नहीं दे रहे। फरमाया नमाज तो नहीं छूटेगी ना, ये फैसलाबाद वालों को नहीं, सात बर आज़म के ईमान वालों को पैगाम है कि ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, नमाज नहीं छूट सकती, नमाज नहीं छूट सकती। अल्लाह की कसम कोई मसला नहीं था अगर ये छोड़ देते। जंग से पहले आँख लग गई, आँख खुली तो हंस पड़े। बहन ने पूछा एक केड़ा हासे दवेला है, मौत सिर ते खलोती है। फरमाया बहन अभी अल्लाह के नबी को ख्वाब में देखा है, कह रहे हैं बेटा मैं लेने के लिए आ चुका हूँ, मौजों हो गई, लेने के लिए आ चुका हूँ। छोड़ देते तो फिर गुलिस्तान कॉलोनी वालों को भी गुंजाइश मिल जाती, छटी जा सकती है। छः बर आज़म के इंसानों को पैगाम दिया कि टुकड़े टुकड़े हो जाओ, नमाज नहीं छोड़ सकती। फरमाया आधे नमाज पढ़ो आधे जंग करो, सलात खौफ। आधों ने नमाज पढ़ी आधों ने जंग की, 15-20 तो पहले शहीद हो चुके थे, फिर आधों जिन्होंने नमाज पढ़ी थी उन्होंने जंग की और दूसरों ने जाके नमाज अदा की, असर से पहले सब। जब जहर गिरने लगे तो उन्होंने हज़रत हुसैन के कंधे पर यूँ हाथ मारा, गिरते गिरते अक़बिल हुदी तहदियन महदिया अल्यौम तल्का जद्दकन नबिया हसनन वल्मुर्तदा अलिया वश्शहीद अल्जाफर अल्कमिया व असदल्लाहिल मुहैया। हाँ हाँ आगे बढ़, तेरे लिए तेरा नाना फूलों के हार लेके खड़ा हुआ, आगे बढ़, आज तेरी मुलाकात का दिन है, आज तो अपने भाई हसन से मिलेगा, बाप अली से मिलेगा, चचा जाफर से मिलेगा, असदुल्ला हमजा से आज तेरी मुलाकात है। इन अशार के साथ आपने जान अपने अल्लाह को सुपुर्द फरमाई। जब सारे जान निसार ख़त्म हो गए अब अहलुल बैत की बारी आई, तो सबसे पहले आपके बेटे अली अल अकबर ने तलवार उठाई, अब्बा जान आपसे पहले मरना चाहता हूँ, आपको मरता नहीं देख सकता, आपसे पहले मरना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। हमने कहा बढ़ो अल्लाह के नाम पर, जा मिलो अपने अजदाद के साथ। तो बड़े हसीन थे अली अल अकबर, जिस तरफ गए वो आगे आगे, कूफी आगे आगे, ये पीछे पीछे, पर 1,000 और 3,000 क्या मुकाबला था। आखिर खाक व खून में लौटाए गए, तड़प के गिरे, तो फिर हसन के बेटे कासिम का चचा मैनेजर, इस काफिले में, इस हुसैनी काफिले में अहलुल बैत वो 17 कत्ल हुए, उनमें सबसे हसीन कासिम थे, कासिम बिन हसन, कासिम बिन हसन। जब उन पर तलवार का वार पड़ा तो उनका हाथ कटा और नीचे गिरे, तो उनका या अम्मा हाय चचा। तो हस हुसैन जख्मों से चूर हो चुके थे, लेकिन इससे बुझती शमा भड़कती है, अब जख्मी शेर की तरह लपके और काई की तरह मजमे को चीरा। जब वहाँ पहुँचे तो वो एड़ियाँ रगड़ रहे थे और खाक व खून में लथपथ थे, तो उठा के सीने से लगाया, उनकी आखिरी हिचकियाँ उनके सीने पे ख़त्म हुई। कहने लगे भतीजे आज तेरा चचा बड़ा बेबस, आज वो तेरी मदद को नहीं आ सकता है, लेकिन एक दिन आने वाला है जब तेरे नाने की अदालत में फैसला होगा। फिर उनकी लाश को उठाया, अब्दुल्ला बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, कासिम बिन हसन, अली बिन हुसैन, लाशें पड़े हुए हैं। अब्दुल्ला बिन अकील, अब्दुर्रहमान बिन अकील, अली के भाई, लाशें पड़े हुए हैं। अपने भाई अब्बास बिन अली, मोहम्मद बिन अली,
عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی اور حسین بن علی، پانچ بھائی پہلے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، جعفر بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن ابو سعید بن عقیل، یہ سب اہل البیت ہیں جن کے لاشوں کے انبار ہیں. آخر میں ایک بچہ دو سال کا عبداللہ، آپ کو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ اس بچے پر بھی کوئی اس طرح کا ظلم و ستم ڈھائے گا. تو آپ جب اکیلے رہ گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو آخری ملاقات بیٹے سے. تو اس کو سینے سے لگایا، چوم کے یہاں بٹھایا، ابھی تقدیر کا کچھ امتحان باقی تھا. دو سال کا بچہ، شامی لشکر سے بنو اسد کا ایک بنو ابن الموقد، اس نے تیر جو چلایا، خطا بھی جا سکتا تھا، یہاں آ کے لگا اور پار ہو گیا. بچے کی گردن ایسے ڈھلک گئی، یہاں امام عالی مقام. ارے بھائیو، میں قطر ہاسپٹل گیا کسی کام، تو وہاں کسی کا بچہ تھا منگوڑے میں ہاسپٹل میں، ویسے تڑپ رہا تھا، پتہ نہیں اسے کیا تھا، اور اس کی ماں ایسے اس کو کھڑی دیکھ لی. یہ منظر میں آج تک نہیں بھولا، اس ماں کے چہرہ، صرف اس کی آنکھیں نہیں رو رہی تھیں، مجھے اس کا سارا وجود روتا ہوا دکھائی دیا. اس بچے کے اوپر ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، اچھا نہیں، مجھے نہیں پتا اس کو کیا تھا، وہ ایسے ایسے بے قرار ہو کے تڑپ رہا تھا. یہ 2001 کا واقعہ ہے، 16 برس گزر چکے ہیں، میں واقعہ نہیں بھول سکا ہوں. اس باپ کو سوچو جس کے سامنے دو سال کے بچے کے گردن کے تیر پار ہو گیا ہو، اور پھر وہ خون، یہاں بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، میرے رب بس تو راضی ہو، تو راضی ہے تو کم بھی بڑھ گئے. یہ پیغام ہے فیصل آباد کے تاجروں کو، پورے ملک کے تاجروں کو، پوری دنیا کے اہل ایمان کو، کہ اللہ کو پانے کے لیے ہر سودا قبول ہے، قبول ہے. اللہ کا راضی ہونا معیار زندگی ہے. ہاں پھر کھڑے ہو گئے کہ چل بچیا تو چل، تیرا پیو بھی آ رہا ہے. اب آپ کو شہید کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، زخموں سے چور تھے، لیکن ہر کوئی ڈرتا تھا بھائی میں نہ مارا تو شمر آیا بدبخت، کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ تو ابو ذر بن شریک تمیمی نے پہلا وار سیدھا کیا، جو یہاں لگا شانے پر لگا، تو اس سے آپ ڈولے، تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا، اس سے آپ گرے، تو شمر نے کہا سر کاٹو، تو خولہ بن یزید آگے بڑھا پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، تو سنان بن انس نے اس کو گالی نکال کر پیچھے دھکا دیا، اور اس امت کا بدبخت ترین انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے، گردن کاٹ کے سر اوپر چڑھا دیا. پھر خیموں کی طرف بڑھے، تو اللہ کو زندگی مقصود تھی، آل رسول کی نسل چلنی تھی، تو علی ابن الحسین بیمار تھے، ایمن جن کو زین العابدین، اب ابھی میں ان کا قصہ سنایا، اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے، بیمار ہے چھوڑ دیا جائے. تو خواتین، بچے، حسلی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی، زینب بنت علی، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین، اور آپ کی بیگم رباب، آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھی رباب. آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے، اتنا ان سے پیار تھا، وہ بھی ساتھ تھی. ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی. پھر ابن سعد نے کہا 10 گھوڑ سوار آؤ، انہوں حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے. جب قافلے کو گھسیٹ کے باہر لائے، لے جانے لگے، تو حضرت زینب نے دیکھا
72 सर नेजों पे चढ़े हुए थे। सबसे मासूम सर अब्दुल्ला बिन हुसैन, वो भी नेजे पे चढ़ा हुआ था। हमने करबला को अफसाना बना लिया, ये कमाई का जरिया बना लिया। ये एक पैगाम है तबकात उम्मत के लिए, मत जमीर बेचो, मत जमीर बेचो। टुकड़े टुकड़े बदन, तो हजरत ज़ैनब की जबान से चंद अल्फाज निकले जिन्होंने आप हैरान होंगे। कूफी लश्कर वाले रोने लगे, जो अभी कत्ल कर रहे थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। कवा मोहम्मदा वा मोहम्मदा, हो ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, हादा हुसैन बिल आरा मुजम्मल दिमा मुकत्तअल आदा। वा मोहम्मदा वा मोहम्मदा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, बनातुक सबाया ज़ुर्रियतुक मुकत्तला तस्फ़ी अलैहा रियाह। आज हुसैन की बारात है मोहम्मद मुस्तफ़ा, आज तेरे नवासे की बारात है। आज उसने अपनी बोटियों का हार गले में डाला है, अपने खून के कतरों से बना हुआ लिबास पहना है। आज वो सुर्ख जोड़े में बड़ा हसीन नजर आ रहा है, आज वो सुर्ख जोड़े में बहुत प्यारा लग रहा है। उसका जिस्म बिखरा हुआ है, उसकी बोटियां बिखर गईं, उसके बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज उसका लाशा पड़ा है, या है मोहम्मद मुस्तफ़ा, आज आपकी बेटियां कैद में हैं, आपकी औलाद ज़बह हो चुकी है, उन पर कफन डालने का की इजाज़त नहीं दी थी उन बदबख्तों ने, तो तस्फी अलैहा रियाह, कूफे वालों ने कफन भी नहीं देने दिया, तो हम हवा ने मिट्टी उड़ाकर आपकी औलाद को मिट्टी का कफन पहना दिया है। हाँ, ये कटा हुआ सर फिर सिर्फ हुसैन का इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया, तो उसने मुंह पे छड़ी मारी, फिर छड़ी मारी, फिर कहने लगा, मैंने ऐसा हुसैन नहीं देखा कि मर के भी चेहरा मुस्कुराता चमकता हो। तो हज़रत अनस ने खड़े होकर कहा, ओ जालिम, ये छड़ी यहाँ से हटा ना कर, मैंने इन होंठों पे अल्लाह के नबी के होंठों को लगते देखा हुआ है, ना कर। कहने लगा, तू बूढ़ा ना होता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, तेरी अकल ख़राब हो गई है। तो मैं, मेरी नहीं तेरी अकल बिगड़ी है, आने वाले दिन तू देखेगा तेरे साथ क्या होगा। फिर यही सर यजीद के सामने रखा गया, उसने मुंह पे छड़ी मारी, तो जैद इब्ने अरकम खड़े हो गए, कहने लगे, न कर, मैंने इन होंठों पे नबी के होंठों को लगते देखा हुआ। मेरे भाइयों, नमाज का वक्त करीब हो गया, बल्कि मैंने ज्यादा वक्त ले लिया है। मैं किसी की तफसील तो ज़िंदगी भर कभी नहीं सुना सका, इशारे कर देता हूँ, पढ़ो इसको, पढ़ो खुद, पढ़ो, पैगाम लो, पैगाम लो। हाय, जुल्म का साथ नहीं दिया, झूठ का साथ नहीं दिया, ज़बह हो गए नस्ल समेत, बच्चों समेत, पूरी दुनिया के तुजार को पैगाम है, झूठ से बच, ख़यानत से बच, सारे दफ्तर वालों को पैगाम है, रिश्वत से बचो, रिश्वत से बचो, ज़ुल्म सितम ढाने से बचो। सारी दुनिया के, मेरे, मैं क्या कहूँ, मेरे मुल्क का एक एक तबका ज़मीर बेच के सोया हुआ है, जहाँ इंसाफ देने वाले बिक जाएं, जहाँ जज के कलम की कीमत लगे, जहाँ जिस देश के जज को
खरीदा जा सका जा सकता है, जिसके कलम को खरीदा जा सके, जिस देश के वकील को खरीदा जा सके, जिस देश में झूठे मुकदमों की भरमार हो, जिस देश का डॉक्टर मरीज को मरीज न समझे ग्राहक समझे, और मरते की खाल उतारे, मरते हुए की खाल उतारे, जिस देश का वकील खुद एक माफिया ग्रुप बन चुका हो, जिस देश का मैं वकीलों का रोना क्या रोऊं, मैं जजों का रोना क्या रोऊं, मेरे देश का तो रेड़ी वाला भी जालिम है, मजदूर भी जालिम है, गरीब भी जालिम है, मालदार भी जालिम है, जुल्म के अंधेरों में देश डूबा हुआ है। मेरे भाइयों, हमारा नया साल शुरू हो चुका है, अब हम तौबा करें अल्लाह की बारगाह। मेरे भाइयों, मैं बहुत दोहराता हूं इस बात को, जिस फर्द में, जिस कौम में, जिस देश में, जिस खानदान में, जिस मुआशरे में जुल्म होगा, झूठ होगा, धोखा होगा, वो तबाह हो जाएंगे, चाहे मुसलमान है चाहे काफिर हैं। जिस देश में, जिस कौम में, जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में, जिस फर्द में सच्चाई होगी, इंसाफ होगा, दयानतदारी होगी, अल्लाह इनकी हिफाजत करेगा, इज्जत देगा, चाहे मुसलमान है चाहे काफिर हैं। दुनिया की इज्जत ज़रूर मिलेगी, कुफर के साथ मिलेगी, कि सच्चाई, दयानतदारी, अदल इंसाफ पर अल्लाह साया कर देता है, चाहे कुफर है चाहे इस्लाम है, मौत तक, काफिर है तो मौत तक, मौत के बाद ईमान का फैसला है, लेकिन अगर ईमान है तो ये जहान भी बन गया, वो जहान भी बन गया। यही फैसलाबाद की बात है। मैं सुबह निकला, सैर करके वापस आ रहा था, मेरे मुझे दूर से एक रेड़ी वाला नज़र आया, सफ़ेद दाढ़ी पगड़ी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आमतौर पर रेड़ी वालों का ये हुलिया नहीं होता है, तो लिहाजा दूर से मेरी नज़रों में जच गया। जब मैं करीब से गुजरा तो मैंने फिर उसको ऐसे देखा, तो मैंने देखा वो रो रहा था, ऐसे खामोश आंसू, साज खामोश हैं, फरियाद से मामूर हैं हम, और एक हाथ रेड़ी पर था, एक हाथ पेटी पर था, जो कोई पेटी लाया था, और ऐसे रो रहा था, ऐसे रो रहा था। तो मैं रुक गया, मैंने कहा बुज़ुर्गो खैरियत तो है, आप क्यों रो रहे हैं? तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, उसने पेटी ऐसे उठा दी मेरे आगे, तो वो पेटी सेब की थी, उसके ऊपर ऊपर सेब ठीक थे, नीचे सारे गले हुए सेब थे, तो सारे सेब ऐसे बिखर गए। ये पेटी में सेब भरने वाला न तो वकील है, न तो डॉक्टर है, न तो भुवाने बाजार का ताजर है, न वो सेशन कोर्ट का जज है, न वो कोई डीसीओ है, न वो कोई तहसीलदार है, वो मजदूर है, मजदूर है, गरीब आदमी है, गरीब का जुल्म बता रहा हूं। तो जब सेब बिखरे तो मैं उसको देखूं, सेबों को देखूं, मुझसे कहने लगा, कोई उर्दू स्पीकिंग था, पंजाबी नहीं था, उर्दू से कहने लगा, बेटा मैं बहुत गरीब, उसकी बहुत, पर जब उसने जोर डाला ना, मैं बहुत गरीब, उन्हें ऐसे लगा मैंने किसी ने छुरी से मेरा कलेजा चीर के रखा, मेरे आंसू निकल पड़े, मैं अब रो रहा हूं। इस वाक्य को 30 साल गुजर चुके, बेटा मैं बहुत गरीब, सुबह मंडी जाता हूँ, एक पेटी लाता हूँ, शाम तक बिक जाती है, बच्चों के लिए ताज़ा आटा लेके जाता हूँ, आज किसी ने मेरे बच्चों की रोटी मुझसे छीन, आज किसी ने मेरे बच्चों की रोटी मुझसे छीन। इसी सेब की पेटी को अब ऊपर तक ले जाओ, कि लोग जानों से खेल रहे हैं अपनी इज्जत इकतदार झूठी इज्जतों के लिए, इज्जतों से खेल रहे हैं, जानों से खेल रहे हैं, हुकूक से खेल रहे हैं। यहां ऐसे जमीर बिकते हैं जैसे भेड़ बकरियां बिकते, यहां ऐसे जबान के बोल बिकते, नहीं कसाइयां को जाओ तो बिछरी देवे जबान भी आया तो सिर भी आया, यहां ऐसे दिमाग बिकते हैं जैसे बकरे की सिरी बिकती है, ऐसी जबानें बिकती हैं जैसे बकरे की जबान बिकती है, ऐसे जमीर के सौदे होते हैं जैसे भेड़ बकरियों के सौदे होते हैं।
अब मेरी जेब खाली थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, जो मैं तो ऐसे सुबह निकला था। मुझे इतना सदमा हो क्या है कि मेरी जेब इतने पैसे तो होते थे, बाबे की पेटी जो के पैसे थे उन्हें मैं दे ही देंदा। आज तक मुझे ये दुख रुलाता है। फैला दो सारे पंजाब से वो कराची से लेकर खपलू तक, गिलगित तक, सब कुछ यही हो रहा है। रोते हैं हुसैन को, खड़े हुए हैं यजीद के साथ। रोते हैं आले रसूल को, खड़े हुए हैं शमर के साथ, इब्ने ज़ियाद के साथ। इन मगरमच्छ के आंसुओं की मेरे रब की बारगाह में क्या कीमत है? मेरा मुआशरा जुल्म सितम में डूब चुका है। कहते 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 उम्र बीत गई। भाइयो, जितने बैठे हो इतने तो तौबा करें हम कि आओ भाई, आज हम अपने अल्लाह को राज़ी करना अपनी ज़िंदगी की मंजिल बनाएं, अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। इस जुल्म से निकलो, झूठ से निकलो, बोतान से निकलो, रिश्वत से निकलो, हराम से निकलो, शराब से निकलो, जिना से निकलो, बदकारी से निकलो, फहाशी से निकलो, जुए से निकलो, झूठे मुकदमों से निकलो, झूठी गवाहियों से निकलो। कुतैबा बिन बक्कार की मजलिस में मिस्र का बादशाह वाज सुनता था। 18 बरस आता रहा, 18 बरस, और हर साल 1000 दीनार, 1000 दीनार उनको गिफ्ट करता था। 1000 दीनार कोई 10 करोड़ रुपया बनता है। 1000 दीनार 18 साल के बाद एक फतवे पे दस्तखत मांगे कि यहाँ साइन कर दें। फतवा गलत था। उन्होंने कहा मौलवी ने 18000 दीनार देते क्यों नहीं करेगा? उन्होंने फरमाया ये तो शरण खिलाफ है, मैं कैसे दस्तखत करूं? वो कहने लगा करने पड़ेंगे। कहा मेरा जमीर नहीं, तुम ऐसे खरीद सकते, मैं नहीं करूंगा। कहने लगा मेरे 18000 दीनार वापस कर। 18000 दीनार अरबों रुपया बन चुका है। उन्होंने कहा मौलवी भूखा, साडा खावे तो साडे अगू सिर चावे। कहने के ठीक है, घर गए, 18 थैलियाँ 1000 दीनार की, उनके रस्सी भी गिरा भी नहीं खोली थी। गिरा पे सरकारी मोहर होती है, वो मोहर भी नहीं टूटी हुई थी, जैसी थी वैसी लाकर उसके सामने रख के कहा तू मेरे ईमानदार मूल इतना ही लाया है, ऐ 18000 निकल जा मेरी मजलिस से जो कमबख्त। तूने मुझे 18000 में खरीदना चाहा, तूने मेरे ईमान की कीमत ये लगाई थी। जैसे वो पड़ा था उसके मुंह पे मार दिया। भाइयो, ऐसा अल्लाह से ईमान मांगो, ज़मीर मांगो, जो अल्लाह पे तो कुर्बान हो लेकिन इन सिक्कों पर ना बिक जाए, इन ठीकरों पर ना बिक जाए। नियत करते हो सारे, तौबा करते हो मेरे साथ? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। पक्की है तो अल्लाह के यहाँ कबूल है, चूँकि मेरे रब को तौबा जैसे पसंद है। सुभान अल्लाह। और मेरी तुम्हारी तो उम्र ही कोई नहीं है। मेरा रब कहता है मेरा बंदा इतने गुनाह कर के ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, यहाँ से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, फिर सिर्फ एक दफ़ा कहना या अल्लाह माफ़ कर दो, मैं सारी माफ़ कर दूँ। हमारे गुनाहों की तो हैसियत ही कोई। मैंने मैनचेस्टर में बयान किया, आखिर में ऐसे तौबा करवाई तो एक नौजवान आ गया, लाहौर का था। कहा जी मौलाना साहब ये गुनाह माफ़ हो गए सारे? मैंने कहा हाँ। ये तौबा पे हो गए? मैं वाकई हो गए। मैंने कहा बिल्कुल जी। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, सारे माफ़ हो गए? मैंने कहा बिल्कुल हो जी। मैंने बहुत किए हैं। मैंने कहा बेटा तेरी तो उम्र ही कोई नहीं, तूने कितने किए होंगे? तो रब की रहमत को जानता नहीं। हमारे बर्रे सगीर का मामला डराते ज़्यादा हैं। इतना अल्लाह से डराया कि अल्लाह से जुदाई कर दी, अल्लाह से ही भगा दी। एक दफा एक आदमी कहने लगा तुसी मौलवियाँ साढ़े को साढ़ा रब भी खो लिया।
बहुत मालदार आदमी था, तुम मौलिया साढ़े को साडा रब भी खो लिया, तुम सानू रब को इतना डराया, इतना डराया कि असं हूँ आने भी पता नहीं साढ़े ना उस करना की। मैंने कहा यार मैं तो नहीं डरा, तो मैं तो खुशखबरी दो भी अल्लाह के पास आ जाओ, अल्लाह के पास आ जाओ ना, कहीं जहाँ मैं अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ बंदा नवाज, और कोई रास्ता है? अल्लाह को मनाओ, एक बोल पे मानता है, एक बोल पे मानता है, एक आंसू पे मानता है, फिर टूट जाए फिर कर लेना, फिर टूट जाए फिर कर लेना। और ये तबलीग का काम उसको सीखने की मेहनत है, अल्लाह हिम्मत दे तो टाइम लगाना। नया साल शुरू हो रहा है, किसी से लड़े हुए हो सुलह करो, किसी का हक मार के बैठे हो वापस कर दो, नहीं करने की ताकत तो जाके माफ़ी मांग लो कि जब होगा मैं दे दूंगा, जब होगा मैं दे दूंगा। किसी के साथ बुग़्ज़ है दिल को साफ़ करो, किसी का नफ़रत है दिल को साफ़ करो, किसी से बायकॉट किया हुआ अभी जाके उससे मिल लो, उससे मुलाकात कर लो और उससे सीने से लगा लो कि नया साल इस तरह शुरू हो कि हमारा दिल पूरी दुनिया के लोगों से साफ़ हो, तो अल्लाह ताला भी हमारे गुनाहों को साफ़ फरमाएगा, माफ़ फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक बख्शे। जितना मजमा आए हो, अगर नमाज में सुस्ती है तो भाई आज के बाद नमाज नहीं छोड़, ठीक है ना, और एक झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, ठीक है, किसी को धोखा नहीं देना, दयानदारी से काम करना है, ये चंद काम करने के काम बन जाएगा सुन्नतें अदा करो। हमारे चैनल एजियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं।